करने, और अगर बीसी रह जाए तो मुझे लाजमी बताने हैं। अच्छा, जो आज जो आपका चैप्टर है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों नहीं पढ़ रखी। तो सबसे पहले तो ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशंस है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग मना कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा। ये वाली आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये क्या नाम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े पढ़ी है? नो मैम, नहीं नहीं पढ़ी, नो मिस नहीं चलें पढ़ाई। चलें भाई स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं आज। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो आपसे डिस्कस किया था कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में, कि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बारे में जो है मैंने आपसे डिस्कशन किया था, मैंने कहा था कि देखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक ऐसे रैंडम वेरिएबल जो इन लाई कर रहे हैं एक इंटरवल जिसके दरमियान में, एक रेंज के दरमियान में लाई कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस टाइप की है। सही है, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब हर चीज मैंने तो आपको जो है वो दो तरीकों से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है। एक पढ़ाई है डिस्क्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी पढ़ाई है आपको कंटिन्यूअस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला तरीका जो हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट पॉइंट। मैंने आपको पूरा डिस्क्रीट पॉइंट भी पढ़ाया था, और डिस्क्रीट पॉइंट के साथ साथ जो है वो डिस्क्रीट पॉइंट से जितनी भी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वो चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूशन किससे कंसर्न कर रही थी, आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हम डिस्कशन करेंगे तीन डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटीन्यूअस के लिए, कंटीन्यूअस डेटा सेट के लिए अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और डिस्क्रीट के लिए अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब आपको डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस रेंडम वेरिएबल के बारे में अच्छे से आइडिया हो चुका है। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो है वो सबसे पहले हमें क्या चीज करनी होती है, कि सबसे पहले जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो हमें पढ़नी है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, पहली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट ये सारी की सारी जो है वो आपकी सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमन टाइप ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई सर्टेन डेटा एक स्पेसिफिक टाइप का मौजूद है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपके पास एक यूनिफॉर्म टाइप का डेटा है, जैसे कोई यूनिफॉर्म टाइप का डेटा और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर वो डेटा यूनिफॉर्म टाइप का है और वो अपनी यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, तो आप बाय यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस उसकी प्रोबेबिलिटी बा आसानी जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास समझे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने एक एक करके आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, CDF, PDF और ये सारी PMF और CDF, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उसके अंदर हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर हमारे पास एक डेटा सर्टेन टाइप का हमें पता चल जाए, जैसे टाइम फैक्टर इंक्लूडेड है और वो डिस्क्रीट पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो उसका मतलब है हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर डेटा का भी स्कैटर होता है और हमें उस पर प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये हमारी वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से लाई कर रहा है, तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन से लाई करने के मकसद में हम क्या कर लेते हैं, उस डेटा को जो है वो फेच करके जो है वो उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके अपनी डेटा की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फैसिलिटेट करता है या आसानी प्रोवाइड करता है अपनी डेटा की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। और प्रोबेबिलिटीज क्यों फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटीज जब हमें किसी पॉइंट ऑफ मतलब किसी पॉइंट पे किसी सर्टेन वैल्यू पे हमें स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, दैट मींस कि हमें क्या करना होता है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। तो पहली कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी क्या है, यूनिफॉर्म, दूसरी है नॉर्मल, तीसरी है एक्सपोनेंशियल। अब ये तीन इंपॉर्टेंट कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। सबसे पहली है आपके पास यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपको दिखने में ही समझ आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म का कीवर्ड, और इसको समझने से ही मतलब देखने से ही समझ आ रहा है यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वैल्यू, मतलब हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, हर इंटरवेल पे ऊपर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम।
क्योंकि वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर पॉइंट पे जो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी. तो सेम करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे शो करवाई है कि हर पॉइंट पे वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है. तो हर पॉइंट पे वैल्यू सेम होने का मतलब ये है, अम्मे हद होती है. अच्छा, तो पहली पॉइंट पे आपके पास प्रोबेबिलिटी सेम होने का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल कि मैं एक सपोज एक थ्रो कर रही हूँ एक डाई, लेट एक्स बी अ रेंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ थ्रो. अब इन्होंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि मुझे एक डाई को जो है वो क्या कर रहा है, थ्रो करना है. एक डाई को थ्रो करना है और मेरे पास जो रेंडम वेरिएबल है वो क्या है, उनके थ्रो पॉइंट्स. अब आपको पता है रेंडम वेरिएबल एक डाई है, डाई को अगर आप थ्रो करना चाहते हो उसके रेंडम वेरिएबल कितने होंगे, 1 to 6, 7, 8, 9, 10 तो नहीं हो सकते क्यों, क्योंकि वो तो डोमेन से ही बाहर जा रहा है. तो आपका तो डोमेन की जो कंडीशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है इसके रेंडम वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, 1 to 6 हो सकते हैं. तो जब आप इस डाई को थ्रो करोगे तो डाई को थ्रो करने से आपके पास क्या होता है, उसके रेंडम वेरिएबल जो है वो सेम हो जाते हैं. तो अब आपने जब उसको एक्स पॉइंट 1 पे ऊपर इसको थ्रो किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1. मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने उसको थ्रो किया, अब आपको पता है कोई एक वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1. 2 रैंडम वेरिएबल लिया, सेकंड रैंडम वेरिएबल लिया, तब आपने उसको थ्रो किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6. क्योंकि आपको नहीं पता हर, मतलब जब भी आप उसको रैंडम वेरिएबल को थ्रो करेंगे हर बार उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांसेस होंगे, 1/6. जैसे अगर क्वाइन की बात करूं तो क्वाइन के अंदर भी जिसके आउटकम्स कितने होते, 2 होते ना. जैसे पहला आउटकम हुआ, पहला आउटकम है हेड. अब जैसे मैंने हेड को ड्रॉ किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. इसी तरह मैंने टेल के लिए किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. वो सॉरी 1/2. हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2. इसका मतलब क्या है कि हर वैल्यू, हर प्रोबेबिलिटी जब 1/2 के हिसाब से आ रही है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे जब वो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ही नेचर ड्रॉ हो रहा है. एक नेचर का मतलब एक ही पॉइंट ड्रॉ हो रहा है, इस तरीके का एक यूनिफॉर्म पॉइंट ड्रॉ हो रहा है. मतलब x1 इंटरवल पे एक प्रोबेबिलिटी, x2 इंटरवल पे एक प्रोबेबिलिटी, x3 इंटरवल पे एक प्रोबेबिलिटी, x4 पे एक इंटरवल प्रोबेबिलिटी. अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी होती है ना स्टूडेंट, ये डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है. एक बात याद रखना, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट पॉइंट दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है. तो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी एक स्पेशल प्रोबेबिलिटी है जिसको आप डिस्क्रीट पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और कंटिन्यूस पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो अक्सर तुम देखना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका नाम होता है और कंटिन्यूस में भी नाम होता है, क्योंकि ये दोनों ही तरीके की प्रोबेबिलिटी को कैप्चर कर सकता है. लेकिन नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का लिए तो एक्सपोनेंशियल तो प्योर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है. इसके अंदर तो आपके पास कभी भी आप ये बात नहीं करोगे कि इसको डिस्क्रीट पॉइंट के ऊपर जो वो कैलकुलेट किया जा सकता है. मतलब ये कि अब यहाँ पे इन शॉर्ट आपके पास जो है वो हर पॉइंट पे क्या करना है आपको, हर पॉइंट पे जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्ट ये है कि आपके पास 1/6 जो है वो 1 से लेके 6 तक के हर पॉइंट पे सेम प्रोबेबिलिटी है. मतलब जैसे यहाँ पर एक आपके पास एक यहाँ पे है, यहाँ पे x1 है, अब यहाँ पे x1 है, 2, 3, 4, 5 और हर एक की क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/6. तो इसका मतलब है एक डिफरेंट एक पॉइंट के ऊपर आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी आना, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म नेचर. इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रही, बल्कि वो यूनिफॉर्मिनिटी है. आपकी यूनिफॉर्म हुई हुई है हर वैल्यू इसके अंदर. इसका मतलब है कि हर पॉइंट, मतलब आपके एक्स पॉइंट तो डिफरेंट हो रहे हैं लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी हर बार जो है वो सेम आ रही है. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं. तो इसे ये तरीका होता है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस यूनिफॉर्म होती हैं और उनके जो डायग्राम पिक्चर के फॉर्म में डिफाइन की गई है वो इस तरह डिफाइंड है. क्योंकि आपके पास जितने भी टाइप के रेंडम वेरिएबल्स मौजूद हो जाए, अब उस टाइम के रेंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी. जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कॉइन है, कॉइन की प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे फिक्स है. आप एक अगर हेड लोगे तो भी फिक्स है, आप टेल लोगे तो भी फिक्स है. हेड पे 1 लोगे तो भी वो फिक्स आएगी 1/2, 2 लोगे तब भी वो फिक्स आएगी 1/2. तो इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटीज होती है, इस टाइप की को अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो हम कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अब चले देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पहला ये है आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है.
जिसमें आपके पास सब टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम वेरिएबल अज्यूमिंग ऑल इंटरवल ए एंड बी वेयर बोथ फाइनाइट एंड देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय. अब ये आपके पास 1/(1)/(b-a), ये इसका क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है. क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो उसको गिवन किया गया है. और इसका जो प्रोबेबिलिटी को ग्राफिकली शो किया जाता है वो एक एज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म में. क्यों रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, वो सेम होती है. हर पॉइंट पे जितने भी नंबर ऑफ एक्सेस ले लें, हर पॉइंट पे आपके पास क्या आएगी, वो सेम प्रोबेबिलिटी आएगी. अब इसी तरह जैसे मैं पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट की बात कर रही थी कि हर पॉइंट पे सेम वैल्यू अकर हो रही थी, इसी तरह अगर कंटिन्यूस नेचर की बात करूं तो ए से लेके बी तक के तमाम इंटरवल पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है. तो इसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को जो है वो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. मतलब ए से लेके बी तक के आपने एक इंटरवल सेलेक्ट किया और हर इंटरवल के, अब इन इंटरवल के दरम्यान में कितने सारे पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट पे इसकी वो कॉइन वाली एग्जांपल एक डिस्क्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई और ये वाली एग्जांपल एक कंटीन्यूअस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई जाता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, CDF, मतलब कि अब आपके पास जो एक PDF गिवन है, अब PDF तो आपने बता दिया कि ये गिवन है, अब उसका आपने CDF भी बताना है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का CDF किसे कहते हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का CDF जो है वो ये आपके पास गिवन है. CDF के अंदर आपको पता है, CDF का ऑप्शन आपको पता होता है क्या करते हैं, हम जीरो से लेके एक्स तक पे इंटीग्रेट करते हैं. ये वाली बात हमारी लास्ट टाइम हुई थी कि जब भी हम CDF कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जीरो से एक्स पे कैलकुलेट इंटीग्रेट करेंगे. तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकालनी, बल्कि हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करके उन्होंने दिखा दी है उन्होंने. CDF की डिस्ट्रीब्यूशन में मिस ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन फिक्स होते हैं. हाँ जी, CDF को जब भी लिखते हैं, तो मैंने आपको ये बात बार बार समझाई है, CDF को लिखने के लिए आपके पास ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम होती है. बार बार मैंने इसकी डेफिनेशन करते हुए आपको बताई है. ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये 0-1 वाली बात, ये फिक्स है, ये एज पर डेफिनेशन है, या कह सकते हो कि ये CDF का सिंटैक्स है. मिस ये मैं पूछ रहा हूं, फिर इसका जो ये x लेस देन a लिखा हुआ है, तो ये x लेस देन और इक्वल्स टू a भी हो सकता है. A is called the lower limit. ठीक है मिस. अब lower limit का मतलब है उसकी जो भी value होगी वो limit है, limit से नीचे जा रही है. मतलब आपने एक limit define करी, अब वो उससे कम की value जा रही है, तो उसका मतलब है कि वो उससे नीचे जाने पे इसका आंसर क्या आएगा, जीरो. उसका मतलब है कि वो हमारे लिमिट से बाहर जा रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट की थी ए तक, अब हमारा जो यूनिफॉर्म है वो हम कह रहे हैं कि इस पूरे पॉइंट के दरमियान में प्रोबेबिलिटी निकालने की सलाहियत रख सकता है, अब वो इसको ए से नीचे ही दे रहा है, जबकि ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये एरिया आ ही नहीं रहा. तो ना आने की सूरत में उसने को क्या कर देना है कि वो जीरो होगा, पे हमारे एरिया को कवर नहीं कर रहा वो. समझ आई? ठीक है मैं समझ गया. ठीक है, मतलब ये कि हमारे एरिया पे लाई नहीं कर रहा, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया पे सर्टन, क्योंकि हमारा एरिया हमने ए से बी तक के लाई किया हुआ है कि इस एरिया के दरमियान में हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है. जब वो हमारे आउट ऑफ द स्कोप पे जाएगा, हमारे एरिया से बढ़ के जा रहा होगा या एरिया से कम आ रहा होगा, तो उसका मतलब ये है कि फिर हम उस पे हम उसे जीरो डिफाइन कर देंगे. अब ये जो चीज है आपकी, ये है आपके पास CDF का ग्राफ. इस CDF के ग्राफ को आपको मैंने बताया था कि जो कि नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ होता है. क्यों? क्योंकि बेसिस ये होती है कि ये हर पॉइंट ऑफ वैल्यू को दूसरे पॉइंट ऑफ वैल्यू से ऐड करता चला जाता है. तो हर पॉइंट पे जब वैल्यू ऐड होती चली जाएगी तो आपके पास क्या होगा, ये एक ग्राफ ड्रॉ होगा. और ग्राफ ड्रॉ होने की वजह भी हमने देख ली थी कि हर पॉइंट पे दूसरे पॉइंट ऐड हो रहा था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ भी कहते हैं. तो इसका ग्राफ भी आपके सामने शो कर दिया है और इसका फंक्शन भी बना के इन्होंने शो कर दिया है. अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं इसकी, कि मैंने आपको कहा था कि कुछ अहम प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड. तो पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं ए और बी. यूनिफॉर्म के दो पैरामीटर्स होते हैं ए और बी. इसका मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/(b/2) के. और इसका जो वेरियंस होता है वो b-a/12 के होता है. मीडियन 1/(2)/2 के बराबर होता है.
तो मीन और मीडियन आपस में बराबर होते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मॉड नहीं होता, क्योंकि देखो तुम्हारी ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट जा रही है, ना कहीं से आगे, ना कहीं से कम हो रही है, ना कहीं से ज्यादा हो रही है। ना ज्यादा होने की वजह से इसकी कोई ना कोई कोई भी मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, सेंट्रल, सारे जो है वो उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिए। लेकिन आपको कम से कम भी चार पॉइंट याद करने, चार पॉइंट का मतलब है 1 to 4, कि आपको उसका मीन पता होना चाहिए, वेरिएंस, उसका मीडियन और उसका मोड तो लाजमी आपको पता होने चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो चले आज इस बार मैंने एक दो डेरिवेशन आपके सामने जो है वो सॉल्व करवाई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इनकी डेरिवेशंस के दरमियान में हमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, हम डायरेक्टली जो है वो इनको क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक आज जो है वो मैंने इसमें इस लेक्चर में जो है वो सोचा है कि एक आज जो है वो डेरिवेशन आपको पढ़ा दी जाए। तो अगर मुझे ये जिस तरह ये तो प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो मीन किसके बराबर होता है, 1/a + b/2 के बराबर होता है। चलिए अब इस बात को प्रूफ करके चेक करते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि इसका a + b/2 के बराबर आता है। तो अब इसके इस प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो हमें किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब a का डेरिवेशन जो है वो हमने सॉल्व करी है। अब ये डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया है कि आपके पास एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और a और b से लेकर लिमिट तक के गिवन डिफाइन है, ठीक है। अब ये आपके पास फंक्शन गिवन है और ये इसकी लिमिट डिफाइंड है। अब मैं चाहती हूँ कि आपके साथ उस प्रॉपर्टी में से एक डेरिवेशन जो है वो मैं आपके साथ जो है वो सॉल्व करके दिखाऊं। तो देखते हैं कि इसका जो मैं बाय प्रॉपर्टी कह रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास क्या है, a + b/2 है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग जो है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो इसके बराबर है। लेकिन ये कैसे प्रूफ होकर आया इस बात की, आज एक डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम से मैंने कभी आपको डेरिवेशन नहीं करवाई, लेकिन आज मैं जो है वो चाह रही हूँ कि एक आध डेरिवेशन जरा समझ लें। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह ड्राइव होता है। तो हमने इसका मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपको पास फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। और मीन फाइंड करने के लिए अब आपके पास फार्मूला पता है, आपको फार्मूला आपको पता है कि मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट x.f(x) = dx। ये आपके पास मैंने आपको लास्ट टाइम याद है कि आपको लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो आपको कुछ मेजर बताए थे, ठीक है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट्स मैंने फार्मूले लिखवाए थे। मैंने कहा था इन फॉर्मूले के जरिए जो है वो आप अपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस कैलकुलेट कर सकें। तो आज मैंने क्या किया कि आज इसी फॉर्मूले के जरिए मैं मीन कैलकुलेट कर रही हूँ, किसका, अपनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं अपनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। तो अब मेरे पास अपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का f(x) फंक्शन गिवन है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट कर लूँ। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला डिफाइन करना होगा। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, x.f(x) d(x). तो सबसे पहले x तो आपको पता है एज अ पैरामीटर है, सेम रखते हैं फंक्शन। फंक्शन की जगह पे आप क्या डिफाइन करोगे, फंक्शन की जगह पे आप अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन डिफाइन कर दोगे। ये जो फंक्शन है ये रख दो। तो ये आपके पास x आ गया और ये f(x) की जगह पे आपने क्या कर लिया, ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा भाई, अब ये आपने फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया, अच्छा ये गलत हो गया, इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर चुके, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर चुके हो। अब जब आपने फंक्शन सब्स्टिट्यूट करा तो 1 - b - a, अब आपको पता है 1 - b - a आपको समझ आ रहा है कि ये कांस्टेंट है, इन टर्म ऑफ x नहीं है। तो आप इसे बाहर निकालें, यहाँ पे आप बाहर निकाल दें, सिर्फ x पे आपने इंट्रीगेशन अप्लाई कर दें। सिर्फ x वैल्यू पे इंट्रीगेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या होगा कि पावर एड होगी और डिवाइड होगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ x पे इंट्रीगेशन करी, लिमिट क्या सेट थी, a से लेके b, ए से लेके बी तक के आपने लिमिट सेट कर दी, लोअर एंड अपर, ठीक है, अपर एंड लोअर में से आपने लिमिट सेट कर दी। अब जब आपने लिमिट सेट करी तो लिमिट सेट करने के बाद जब आपने देखा a² - a² का फॉर्मूला, अगर हम इसको a² और b² में लिखें तो इसका फॉर्मूला इसके बराबर भी किया जा सकता है, b - a × b + a, फॉर्मूले के हिसाब से भी हम इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों को फॉर्मूले के हिसाब से कवर किया ताकि हमारी कैंसिलेशन हो जाए। तो एक बी से और माइनस के बी से कैंसिल हो गया, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए, तो फाइनली आंसर क्या आया, b+a। अब ये b+a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया, b+a / 2। तो अब आज मैंने आपके साथ जो एक बेसिकली डिफाइन कर दी, आपको डिफाइन करके दिखा दी जो प्रॉपर्टी में लिखी हुई थी।
प्रॉपर्टी में डायरेक्टली मीन लिख दिया गया था कि a प्लस टू डिवाइडेड a प्लस b डिवाइडेड बाई टू मीन है. लेकिन अब देखो मैंने आपके सामने एक एक करके जो है वो डिफाइन करके बताया कि देखो स्टूडेंट ये जो मीन डिफाइंड होता है वो मीन इस तरह कैलकुलेट होता है. तो वहाँ तो प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ मैंने एक डेरिवेशन दिखा दी. लास्ट टाइम मैंने किसी की डेरिवेशन नहीं दिखाई थी आपको, लेकिन इस बार एक दिखा रही हूँ. अब इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ आपसे वेरियंस कैलकुलेट करवाना, प्रॉपर्टी में वेरियंस का फॉर्मूला क्या गिवन है, वेरियंस स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. ये क्या है आपके पास, वेरियंस है. ये आपके पास क्या है, वेरियंस. अगर मैं चाहूँ इसको भी प्रूफ करके दिखाऊँ आपको, तो प्रूफ करके दिखाने के लिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा. फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस का फॉर्मूला होता है म्यू म्यू का स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर. ये आपको पहले ही फॉर्मूला याद है कि मीन में से माइनस कर देते हैं मीन का होल स्क्वायर. ये आपके पास फॉर्मूला होता है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, अगर ये फॉर्मूला आपके लिए विजिबल नहीं है तो मैं एक बार दिखा देती हूँ. हाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे. देखिए वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू मीन, ये होता है म्यू स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले वेरियंस के अंदर सबसे पहले ये दोनों मीन है, ये भी मीन है और ये भी मीन है, ठीक है. लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है, वेरियंस के फॉर्मूले के अंदर यहाँ तो सिंपल मीन है. इस मीन जो भी मीन आप कैलकुलेट करें और उसके बाद आप उसको स्क्वायर कर दें, ठीक है. और फिर दूसरी चीज है आप के मीन स्क्वायर कैलकुलेट करें. तो इन दोनों के लिए आपको अगर डेरिवेशन परफॉर्म करनी है तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा. फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. इस पे इंटीग्रेशन कर दें किस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर. ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया. फिर जब म्यू स्क्वायर के ऊपर आप कैलकुलेट करके ये अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर डॉट, और यहाँ पे फंक्शन क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म का. तो यूनिफॉर्म का फंक्शन आपके पास ये आ गया और ये आ गया आपके पास डी ऑफ एक्स. चले ये समझ आ गया. अब इसको देखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है. मीन कैलकुलेट करने के लिए ये आएगा सिंपल मीन. मीन किसके बराबर है, एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स. ये फॉर्मूला हमें याद है कि ये फॉर्मूला हमने सेंट्रल टेंडेंसी, ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. अब इसमें एक्स आएगा और एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, बी माइनस ए और डी ऑफ एक्स. तो अभी अभी हमने ये वाला मीन हमने कैलकुलेट किया है और ये कैलकुलेट करके क्या आया है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2. ये भी अभी हमने सॉल्व की है पूरी डेरिवेशन. तो अब इसके ऊपर क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लगा दो. तो ये वाला पोर्शन तो अभी अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ. अब हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर दोनों को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इस इंटीग्रेशन के बाद भी कोई ना कोई आंसर आएगा. इसका आंसर तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है. फिर माइनस किससे करवा देंगे, माइनस करवा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अब इससे हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे. लेकिन इसके ये वाले के लिए हमें जरा इसके लिए डेरिवेशन करनी पड़ेगी. फिर जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ रखेंगे और दोनों को रख के माइनस करवा देंगे. तो ये शायद आपको ब्लर की वजह से ना दिख रही हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर. तो अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर. तो अपनी स्लाइड पर देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइंड है हमारे पास. एक फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि म्यू वन जो है वो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है. तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर पे करेंगे. तो एक्स स्क्वायर पे हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डाली एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर पे जब आपने इंटीग्रेशन करी तो क्यूब हो गया, क्यूब से डिवाइड करवा दिया. क्यूब के अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. आपको पता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है, आप उसको फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करें. ओपन करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे, जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग लिखते हैं. तो अब ये आपके पास क्या आ गया, ये बेसिकली आपके पास आ गया म्यू टू. अब ये म्यू टू था और ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 म्यू वन था. अब इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करवाना है.
जब माइनस करवाएंगे इन दोनों को, तो ये देखें ये वाला फंक्शन आपके पास म्यू टू आया हुआ है कैलकुलेट होकर, माइनस कर दिया, और ये म्यू वन, म्यू वन किसके बराबर है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे सिंपल। अब देखें यहाँ पे बेसिक मैथ अप्लाई हुई है और सिंपल अप्लाई किया हुआ है सिंप्लीफिकेशन। पहले आप इसको स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलें, फिर इसको बाय एलसीएम लिखें, फिर बाय एलसीएम लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आएं, सॉल्यूशन की तरफ एज मच एज सिंपलर करेंगे, तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर। जब जब सब कुछ सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनली ये बचेगा। जब ये इसके बराबर बचेगा तो आपको पता है कि ये तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा हुआ है, आप उसे b माइनस a के फॉर्मूले में वापस क्लोज कर देंगे और डिवाइडेड बाय 12। तो यही बात प्रॉपर्टी में गिवन थी कि इसका वेरिएंस जो है वो b माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 है। तो उस वक्त मैंने आपको इनके किसी भी डेरिवेशन में आपको लेके नहीं गई थी, लेकिन इस बार जो है वो मैंने a का डेरिवेशन को आपको दिखाया है कि इसे देखें कि किस तरह सॉल्व करते हैं, और आप इसे चेक कर सकते हैं कि इनके प्रूफ जो मैं बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी हैं, तो इसको बाय डेरिवेशन भी इनकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया जा सकता है। अगर यही काम आपसे स्टैंडर्ड डेरिवेशन की बात कर दी जाए, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, वेरियंस के ऊपर अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ जाएगा, सिंपल। तो ये तो खैर आपके पास आज जो है वो मैंने डिस्कशन ज्यादातर किस पे कर दी है, आज की जो डिस्कशन हुई है वो थोड़ी डेरिवेशन पे हो गई है, क्योंकि हर बार मैंने आपसे डेरिवेशन मना कर दी थी और कहा था कि चलें अब सिर्फ क्वेश्चंस पे और इसके कॉन्सेप्ट पे जो है वो सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार जरा मैंने इनकी डेरिवेशन पे भी फोकस किया है कि भाई इनकी डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व होती है। अब आपको कहा गया है कि मीडियन कैलकुलेट करें, मीडियन कैलकुलेट करें किसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैलकुलेट करके दिखाइए। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप जाए फॉर्मूले के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर फॉर्मूला देखेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला होता है दैट वन, कि माइनस इनफिनिटी मतलब लोअर लिमिट से लेके ए तक पे इंटीग्रेट करवाएं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये है इसका कंप्लीट फार्मूला, ये फार्मूला वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइन किए थे, उस फार्मूले के जरिए अब हम इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करा इन्होंने, कहा लोअर लिमिट डाले, लोअर लिमिट हमारी क्या होती है ए, और अपर लिमिट क्या है आपके पास, यहाँ पे इन्होंने अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे आप एम भी डिफाइन कर सकते हो, ए भी डिफाइन कर सकते हो, एन भी, कोई भी वैल्यू, लेकिन मैंने यहाँ पे m डिफाइन इसलिए कर दी क्योंकि हम यूनिफॉर्म निकाल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म में लोअर लिमिट भी a डालूंगी और अपर लिमिट भी a डालूंगी तो डिस्टरबेंस हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसकी जो अपर लिमिट रख दी है वो a की जगह m रख दी है। आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बेसिकली वो वेरिएबल आता है जो वेरिएबल हमारा मीडियन होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे m रख लिया, तो m मेरा मीडियम को कैलकुलेट करेगा, तो आपने कोई भी वेरिएबल यहाँ रख लिया, यहाँ m रख लिया, ये आपके पास फंक्शन और ये आपके पास पूरा फॉर्मूला, फंक्शन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने फंक्शन अप्लाई करना है, देखें ये कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, अब पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, 1 के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, सिंपल एक्स बचेगा। अच्छा भाई, अब जब x बचा तो x पे आपने क्या करी, लोअर से अपर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, तो इससे जब आपने मल्टीप्लाई करोगे तो m माइनस m डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई, सॉल्यूशन करते हुए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन और दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास जो अननोन वेरिएबल है वो क्या है, m, m बेसिकली आपके पास क्या है, मीडियम डिनोट कर रहा है, तो आपने m को निकालना है ताकि आप मीडियम तक के पहुंच सके, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप इसे वहां तक के लेकर आए जहां पे आपके पास m कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए सारे स्टेप्स आपके सामने मौजूद हैं, सिंपल मैथम सिंपल सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करते करते आपने क्या किया, m को जो है वो अलहदा करने की कोशिश की, m यहाँ पे हमारे पास मीडियम को डिनोट कर रहा है, तो आपने m को यहाँ पे रखा, फिर 2a को माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, फिर m रखा यहाँ मल्टीप्लाई था इसे डिवाइड करवा दिया, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, मीडियन आ गया, तो मीडियन भी आपके पास क्या था, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने प्रॉपर्टी के जरिए प्रूफ कर लिया कि मीडियन और मीन आपके पास सेम ही होता है, ये भी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था कि मीडियन भी 1/2 डिवाइडेड बाय 2 होता है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन ही होता है। तो ये देखें ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, वेरिएंस भी दिखा दिया, मीन भी दिखा दिया।
सही है। तो इस बार जो है वो जरा मैंने डेरिवेशन पे भी कॉन्सेंट्रेशन करवाई है ताकि आपको डेरिवेशन में भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी हो कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो मैंने बता दिया कि ये जो है वो इसका CDF है, ये फंक्शन इसका CDF है, और अगर मैं बोलूं ये फंक्शन मुझे बना के दिखाओ कि कैसे CDF बनेगा, तो बनाना भी हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, जरा इस बार बनाने को भी देख लेते हैं। बनाते कैसे हैं? लोअर लिमिट से एक्स तक के इंटीग्रेट कर देते, यही करते। तो फंक्शन आपके पास PDF क्या गिवन है, 1/b, लोअर लिमिट से इसको एक्स तक के इंटीग्रेट कराना है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास सिंपल एक्स बचा है। एक्स पे जब आपने लिमिट अप्लाई करी तो लिमिट आपके पास क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या थी, ए से लेके एक्स तक के, तो आपने अपर माइनस लोअर अप्लाई करी, एक्स माइनस ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो यही CDF था जो ऑलरेडी आपके पास गिवन था। लेकिन देखें हर चीज मैंने इस बार आपको जो है वो बताई है कि देखें इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो यहाँ पे आपके पास फंक्शन ही एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय दिस वन लिखा हुआ था, तो हमने देखो उसको बाय यूजिंग दिस CDF हमने इसे कैलकुलेट कर, उसको इस CDF को जब जीरो लोअर लिमिट से एक्स पे इंटीग्रेट करवाया तो मेरे पास ये CDF बनकर आ गया। तो डायरेक्टली भी लिख के दिखा दिया है और हर चीज को तुम लोगों के सामने जो है वो मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि आप लोगों को प्रूफिंग में भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन है जो यूनिफॉर्म फंक्शन है क्या ये PDF है या नहीं। तो एक बार बताओ यूनिफॉर्म फंक्शन PDF है या नहीं, इस बात को कैसे चेक करते हैं, इसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगर इंटीग्रेशन का आंसर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो PDF है। ये बात हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको अगर आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन मतलब PDF है या नहीं, तो PDF फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे ले जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद अगर फाइनली आंसर क्या आ जाता है 1, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन PDF है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्या रखा, यूनिफॉर्म रखा, यूनिफॉर्म फंक्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं क्या ये PDF है या फिर हमें गलत कहा जा रहा है कि ये PDF है। जब ये कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर निकालो और सिंपल लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है कि जो आपको ये बताया जा रहा है कि ये फंक्शन PDF है, ये बताया जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये PDF है, तो ये बात वेरीफाई भी कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर रही है कि इसको जब हमने इसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करवाया तो इसका आंसर भी 1 आया। इसका मतलब है ये बात भी दुरुस्त लिखी हुई है यहाँ पर।